राजस्थान के रोहट उपखंड में की जा रही है लोगों के सैंपल की जांच। जोधपुर को सशर्त मिलेगी लॉकडाउन में राहत। शाहपुरा में पानी की समस्या को लेकर हुआ धरना प्रदर्शन। पावटा क्षेत्र में चल रहा परिडा लगाओ पक्षी बचाओ अभियान। पाली जिले में लोगों को राहत, हटाया गया कर्फ्यू। विराटनगर पुलिस का भाजपा नेता ने किया सम्मान। राजस्थान के पाली जिले के रोहट उपखंड में भाकरीवाला गांव में कोविड 19 अभियान के तहत CHC इंचार्ज डॉक्टर तेजपाल चारण और डॉक्टर अरविंद चौधरी इंचार्ज खरड़ा व उनकी पूरी टीम ने 23 प्रवासियों की कोविड 19 के सैंपलिंग ली। डॉक्टर तेजपाल चारण ने राजस्थान से बाहर से आए हुए प्रवासियों को कोरोना वायरस के लक्षण व उपाय भी बताया और साथ ही हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने और मास्क लगाने के बारे में भी बताया। इसके साथ ही अपने हाथों को साबुन से धोने की सलाह दी और स्थानीय सरपंच अमराराम बेनीवाल ने भी स्थानीय निवासियों राजस्थान से बाहर से आने वाले प्रवासियों को 14 दिन तक अपने घरों में क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी। ग्राम स्तरीय ग्रुप कोर कमेटी के अध्यक्ष श्रवण राम चौधरी ने भी खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र अभ्यर्थियों की सूचियां तैयार करवाई हैं। इस शिविर को संपन्न बनाने के लिए तेजपाल चरण और डॉक्टर अरविंद चौधरी, सरपंच अमराम बेनीवाल, श्रवण राम सहित काफी सारे लोग उपस्थित थे। इस मौके पर राकेश, ANM, CK माया, लोकेश कुमार, पिंटू शर्मा और सोहन गुणपाल इत्यादि लोग भी अपनी हाजिरी देते हुए नजर आए। कोविड 19 के तहत रैंडम सैम्पलिंग जो प्रवासी आए राज्य सरकार के निदेशक पर उनकी सैंपलिंग हम करवा रहे हैं। आज टोटल 23 सैंपल हमने लिए हैं आज यहाँ भागलवाला पंचायत में पूरी मरीज टीम के साथ। इनके सैंपल पाली लैब में भिजवाए जाएंगे। उनकी रिपोर्ट आने के बाद अभी उनको जब तक प्रवासी है उनको होम क्वारंटाइन हम कर रहे हैं। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके बाद उस एरिए को कंटेनमेंट जोन में घोषित करना है और आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मोहन गुणपाल की रिपोर्ट, पाली, राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर के लिए एक राहत की खबर सामने आई, जहां कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोधपुर द्वारा जोधपुर के काफी क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से बाहर निकाले गए हैं। इसके तहत प्रशासन द्वारा उन क्षेत्रों में लगे बैरिकेड्स को हटाया गया है और इस प्रकार वहां के स्थानीय नागरिकों को राहत की सांस मिली है। सामान्य गतिविधियां सुचारू रूप से उस स्थानीय क्षेत्र में प्रारंभ हुई है और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का आदेश जोधपुर में दिया गया है। कोरोना के 15 नए मामले सामने आए थे, जिस वजह से सभी से हाई अलर्ट रहते हुए कोरोना से बचने के लिए हर संभव उपाय अपनाने की दिशा निर्देश दिए गए हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ओमाराम की रिपोर्ट, जोधपुर, राजस्थान। इस तपती धूप के मौसम में अगर पानी की समस्या हो तो यह एक शोचनीय विषय उस क्षेत्र के लिए खड़ा रहता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के शाहपुरा कस्बे की, जहां पानी की समस्याओं को लेकर आखिरकार ग्रामीण धरने पर बैठ गए। निकटवर्ती ग्राम रतनपुरा में पिछले कई दिनों से जल संकट छाया हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा पंचायत प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद पंचायत प्रशासन पानी की समस्या का हल नहीं कर रहा है। इस भयंकर गर्मी में पानी अति आवश्यक है, जो कि प्रशासन इसके बारे में कोई सुधि नहीं लेने को तैयार है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर धरना प्रदर्शन दिया और इस दौरान महिलाओं ने पंचायत भवन के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान एक महिला करीबन एक घंटे तक बेहोश हालत में पड़ी रही, लेकिन पंचायत प्रशासन पानी व बेहोश हालत में पड़ी महिला के बारे में जरा सा भी विचार करता हुआ नजर नहीं आया। आखिर इस पानी की समस्या को कब तक लोगों से दूर किया जाएगा, यह देखना होगा। भगवान साहब बुनकर हाँ। कहाँ से आए हैं? ये रतनपुरा गाँव से आए। क्या समस्या है? पानी की समस्या हो रही है। पानी की समस्या है बहुत ज्यादा, कम से कम 1.5 साल समस्या है। अब तो बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप कल भी आए थे? कल भी आए थे, परसों भी आए थे। अधिकारी ये बोलते हैं हम आ रहे हैं सा, ITM जी बोले हम आ रहे हैं जी। आज किसने बुलाया था आपको? आज तो ये प्रशासन है ना, यहाँ पर सरपंच बाबूलाल जी ने कहा भाई कल आना, ITM जी भी आएंगे, वो MLA भी आएगा। या पीने का पानी मिल रहा है आपको? नहीं। ये लेडीज कितने देर से बेहोश है? ये एक घंटे से। एक घंटा हो गया इसको? हाँ, एक घंटा। और यहाँ संभालने वाला कोई नहीं है? यहाँ सेक्रेटरी मौजूद है क्या? क्या नाम है सेक्रेटरी का? वो पंचायत में है और कोई संभालने वाला नहीं है? TV1 इंडिया न्यूज के लिए संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट, शाहपुरा, राजस्थान। राजस्थान के पाली शहर की बात करें तो पाली शहर में कर्फ्यू को हटा दिया गया है। नाडी मोहल्ला कंटेनमेंट जोन के बाहर हो गया है। जिले में आज 34 नए पॉजिटिव मामले सामने आए थे। प्रशासन ने आज पाली के प्रमुख मोहल्लों में गाड़ियों के माध्यम से रूट मार्च निकाला है। कल जिला कलेक्टर ने कर्फ्यू हटाने के आदेश जारी कर दिए। नाडी मोहल्ला कंटेनमेंट जोन से बाहर हो गया और इसके साथ अब शहर में कुछ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में लॉकडाउन 4 शर्तों के साथ छूट लागू हो गई है। जिला कलेक्टर ने शहर के लिए नया मैप जारी कर उसकी समीक्षा की है और इससे अब शहर की बड़ी आबादी को राहत
राहत मिलेगी। शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने के लिए विधायक और कांग्रेस नेताओं ने भी कलेक्टर से दोबारा समीक्षा कर कर्फ्यू हटाने की मांग की थी। जिला कलेक्टर अंशदीप का कहना है कि पाली जिले में कुल 34 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 40 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई और इसके साथ ही जिले में कुल 125 लोगों के इलाज के बाद छुट्टी हो चुकी है। जिले में अब कुल 250 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव है, यह भी उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोहन गुणपाल की रिपोर्ट, पाली, राजस्थान। राजस्थान के विराटनगर की अगर बात करें तो थाने को 100 सैनिटाइजर बोतल सौंपी गई हैं। आपको बता दें, संत सत्यनारायण भारती के सानिध्य में पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया है। इस कोरोना काल में पुलिस सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व संभाल रही है और कोरोना योद्धा के रूप में उभर कर सबके समक्ष प्रस्तुत है। भाजपा नेता पवन शर्मा ने साफा पहनाकर थानाधिकारी का भी सम्मान किया है। उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर की बोतलें वितरित की गयी और विराटनगर पुलिस थाने को 100 सैनिटाइजर की बोतलें प्राप्त हुई है। भाजपा नेता ने बताया कि पुलिस का कोरोना संक्रमण के दौरान सेवा कार्य हमेशा याद रखा जाए और सभी पुलिसकर्मियों को वह तहे दिल से प्रणाम करते हैं। उनका यह भी कहना था कि पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात ड्यूटी में जुटे रहते हैं। सेवा कार्य में पुलिसकर्मी हमेशा लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं, यह एक सराहनीय कार्य है। संत सत्यनारायण भारती ने पुलिसकर्मियों को बताया राष्ट्र का सच्चा सेवक है और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह हवलदार, गोपाल सिंह, दाताराम गुर्जर, नीरज सेन, गणपत लाल शर्मा सहित साहिल गुर्जर सहित अनेकों लोग इस मौके पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं कि इस विषय पर भाजपा नेता पवन शर्मा का क्या कहना। सामाजिक सरोकार के तहत लगातार जो जयपुर ग्रामीण पुलिस है उसको सैनिटाइजर की बोतल देने का जो कार्य है उसमें आज विराटनगर थाने में हमने 100 सैनिटाइजर की बोतलें थाना प्रभारी जी को भेंट करी हैं और यह कार्य हमारा लगातार जारी है। और इस संकट की घड़ी में जो पुलिस के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है जनता के लिए, जनता की सुरक्षा में दिन रात, उसके लिए निश्चित तौर पर पुलिस विभाग है जो बधाई की पात्र है। और हम सभी लोग पुलिस के प्रति अपनी पूरी संवेदना और पूरा जो सहयोग है उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। पवन शर्मा, विराटनगर विधानसभा से। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट, विराटनगर, राजस्थान।